तो दोस्तों स्वागत है आपका Day 36 ऑफ आर डेली PYQ रिसर्च प्रोग्राम में, जिसमें हम डेली UPSC के वेरियस एग्जाम, जिसमें CDS, CAPF, CSC वेरियस एग्जाम में पूछे हुए बहुत रीसेंट जो उनके बहुत क्वालिटी क्वेश्चंस है, राइट, उन पे रिसर्च करते हैं। क्योंकि यूपीएससी की टेंडेंसी है कि वेरियस अपने डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम से ये क्वेश्चन को रिपीट करती है, ठीक है, डायरेक्टली भी रिपीट करती है। कम से कम 25-30 क्वेश्चन रिपीटेड थीम पे और रिपीटेड कॉन्सेप्ट, रिपीटेड नॉलेज पे होते हैं। आज के क्वेश्चंस की, ठीक है, शुरुआत करेंगे। ये देखो एकदम भयंकर सही, एकदम क्वालिटी क्वेश्चन है और बार बार यूपीएससी ने ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखो यहाँ से हमें कई सारी चीजों की इंफॉर्मेशन मिलती है। पहली कि भैया यहाँ पूछा हुआ है कि कौन सी लैंग्वेज में अमुक्तमल्यद लिखी गई। पहले आपको पता होना चाहिए अमुक्तमल्यद है क्या चीज, किसके बारे में यहाँ पे बात हो रही है। दूसरा, हमें यहाँ से क्वेश्चन से ही पता चल रहा है कि ये एक पॉलिटिकल ट्रिटाइज है, ठीक है, ये पॉलिटिकल ट्रिटाइज है और पॉलिटिकल बुक है अमुक्तमल्यद, राइट। अब जिन्हें पता होगा विजयनगर एम्पायर के बारे में, जिन्होंने थोड़ा बहुत, ठीक है, पढ़ा होगा, उन्हें अमुक्तमल्यद के बारे में तो पता है, ये भी शायद पता होगा कि ये पॉलिटिकल ट्रिटाइज है, पॉलिटिक्स पे, ठीक है, रूल ऑफ गवर्नेंस पे ये बुक है। बट वो इसमें जरूर कंफ्यूज होंगे कि कौन सी लैंग्वेज में ये लिखी गई है, राइट। बहुत सारे लोग यहाँ कन्नड़ लगा लेंगे, कर्नाटक एरिया में, ठीक है, कई लोग संस्कृत लगा लेंगे। एक्चुअल में ये कृष्णदेव राय ने लिखी और तेलुगु में लिखी गई एक बुक है। कृष्णदेव राय को बहुत सारी लैंग्वेजेस आती थी, जिसमें कन्नड़, ठीक है, संस्कृत, तेलुगु, ये सारी लैंग्वेजेस भी हो। और उसके, ठीक है, वेरियस जो कृष्णदेव राय ने खुद अपनी कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स लिखी। अब देखो ये मेंस में भी क्वेश्चन आया हुआ था कि व्हाट वाज द कंट्रीब्यूशन गिवन बाय कृष्णदेवराय इन डेवलपमेंट ऑफ तेलुगु लिटरेचर। समझ रहे हो, ये मेंस का PYQ है और इसमें ज्यादा नहीं, बिल्कुल 3-4 पॉइंट ही सबके पास लिखने के लिए उस वक्त रहे होंगे। उसमें से एक दो पॉइंट ये भी है कि भैया लिटरेचर में कृष्णदेवराय का इंपॉर्टेंट रोल रहा है। एक रोल ये भी है कि इन्होंने जंबावती कल्याण नाम की, ठीक है, अपनी एक बुक लिखी, लेकिन ये संस्कृत में है। ये याद रखना, ये जो जंबावती कल्याण बुक है ये संस्कृत में है, अमुक्तमल्यद जो इन्होंने लिखी ये, ठीक है, ये तेलुगु में है, ठीक है। और ये जंबावती कल्याण बेसिकली थीम क्या चीज है, यूपीएससी इस पे भी क्वेश्चन बनाएगा कि भैया इसने लिखी हुई बुक है, ये इस थीम पे है, बुक का नाम बताओ गया है। तो इसकी थीम है बेसिकली भैया कि जो लॉर्ड कृष्ण की शादी हुई है जंबावती के साथ, ठीक है, उस, ठीक है, जंबावती के साथ उस पूरे प्रोसेस पे, उस थीम पे ये बुक लिखी गई है। जंबावती वन ऑफ द अष्ट भार्या, ठीक है, 8 प्रिंसिपल क्वींस ऑफ कंसोर्ट ऑफ लॉर्ड कृष्णा, उसे माना जाता है, ठीक है। और, ठीक है, ये रुक्मणी और सत्यभामा के बाद जंबावती का नंबर आता है, ठीक है, जो प्रिंसिपल क्वींस है लॉर्ड कृष्णा की, ठीक है। और ये अमुक्त मल्यद क्या है, अमुक्त मल्यद बेसिकली तेलुगु में लिखी गई एक पोईम है, ठीक है। और ये, ठीक है, एक इंपॉर्टेंट बात है कि जो तमिल पोइट है, ठीक है, जो तमिल एक सेंट है, आपने नाम सुना होगा, एक अलवार सेंट, राइट, अंदल, ठीक है, यहाँ कहीं नाम होगा उनका, यस, अनदल, ठीक है, ये जो अंदल अलवार सेंट थी, इन पे बनाई गई है कि ये बुक है, राइट। और बेसिकली ये गार्लैंड वगैरह से रिलेटेड एक स्टोरी है कि भैया वो एक, ठीक है, कुएं, चश्मे, बावड़ी में बार बार देखा करती थी और एक ऑलरेडी, ठीक है, पहनी हुई गार्लैंड को वो वहां पे चढ़ा लिया करती थी, ठीक है, वो राजा के द्वारा पहनी हुई गार्लैंड थी, वो वहां पे भगवान को अर्पित कर लेती थी। एक बार अंदल के पिताजी ने उसे देख लिया और फिर उसे डांटा कि भगवान को ना फ्रेश फूलों वाली माला देनी चाहिए, राइट। लेकिन बावजूद इसके जो ईश्वर है वो अंदल के पिताजी के, ठीक है, वो उनके सपने में आए और उन्होंने कहा कि मुझे वही वाली माला चाहिए जो अंदल मुझे चढ़ा रही थी, भले ही ऑलरेडी पहने वाली हो, लेकिन अंदल ने उसमें श्रद्धा अपनी डाली थी। लेकिन फिर आप बोलेंगे कि इसमें ये पॉलिटिकल ट्रिटाइज कैसी हुई। इसी में देखो, इसी बुक के अंदर कृष्णदेव राय ने, ठीक है, पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स भी साथ में इसी इसी पोइट्री के अंदर डाले हुए हैं कि राजा को कैसा होना चाहिए, ठीक है, राजा को लोगों की भलाई के लिए काम करना चाहिए, ये वो सारी, ये आर्ट ऑफ गवर्नेंस पे भी ये एक पोईम मानी जाती है अमुक्तमल्यद। तो ये दोनों चीजें आपको पता होनी चाहिए, जंबावती कल्याण, अमुक्तमल्यद, ये दोनों चीजें क्या है, राइट। अब देखिए भैया, ऐसा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आपने, ठीक है, शायद ही कहीं प्रैक्टिस किया होगा, बहुत बेसिक है, ठीक है, बहुत बेसिक है कि भैया श्वेतांबर सेक्ट के बारे में इनमें से कौन सी बातें सही नहीं है। ये CDS में पूछा गया क्वेश्चन है। देखो, जब भी जैनिज्म की बात आए तो आपने दिगंबर और श्वेतांबर, ठीक है, इनके बारे में नाम सुना होगा, दिगंबर और श्वेतांबर, ठीक है।
अब इन दोनों के बीच जो डिफरेंस है उसे हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट कुछ डिफरेंस है, डिफरेंस पे वो क्वेश्चन पूछ लेंगे अगर आगे उन्हें पूछना होगा तो, ठीक है। उस इंपॉर्टेंट डिफरेंस को अभी हम कवर करेंगे। देखिए स्टेटमेंट को पढ़ते हैं जरा, कि इट रेफर्स टू मॉन्क्स हु वियर व्हाइट क्लोथ्स, पता चल ही रहा है, ठीक है, श्वेतांबर से पता चल रहा है कि जिसका अंबर सफेद हो, अंबर मतलब कपड़ा, ठीक है, डेफिनेटली ये तो करेक्ट होगी। इट रेफर्स टू द मॉन्क्स हु माइग्रेटेड टू द साउथ ऑफ विंध्यास इन 7th सेंचुरी, इन 4th सेंचुरी BCE, जिसे भैया ये डिवीजन का खेल मालूम है कि ये डिवीजन हुआ कैसे, उन्हें मालूम होगा कि ये स्टेटमेंट, ये इनकरेक्ट एक्चुअली, आंसर इज दिस, क्योंकि श्वेतांबर भैया वो लोग थे जो मगध में ठहरे। मगध में हुआ क्या कि अराउंड 4th सेंचुरी BCE के, ठीक है, आसपास मगध में, ठीक है, भारी अकाल पड़ गया, ठीक है, और अकाल की वजह से, ठीक है, वो स्टार्वेशन की वजह से वहां से कुछ एक जैन मॉन्क जो है वो साउथ की ओर चले गए, जिसकी लीडरशिप में गए उसका नाम था भद्रबाहु, भद्रबाहु। लेकिन कुछ एक जैन मॉन्क वो मगध में ही रहे, वो साउथ नहीं गए, तो उनका, ठीक है, वो श्वेतांबर मॉन्क थे और वो रहे मगध में अंडर द लीडरशिप ऑफ स्थूलभद्र, स्थूलभद्र। तो स्थूलभद्र मगध में रहा, भद्रबाहु अपने फॉलोअर के साथ साउथ में गया, जो अपने फॉलोअर के साथ साउथ में गया वो वहां पे बहुत ही रिजिड, ठीक है, रिजिड जैन डिसिप्लिन वहां पे प्रैक्टिस करने लगा, वो दिगंबर बन गया, ठीक है। तो साउथ वाले मॉन्क वो दिगंबर बन गए, ठीक है, और वो दिगंबर मतलब दिग ही हो अंबर जिसका, समझ रहे हो, आसमान ही जिसका एक तरीके से कपड़ा हो, दैट इज योर दिगंबर, राइट। तो ये बिल्कुल, ठीक है, नग्न, ये न्यूड रहते हैं, ठीक है, दिगंबर सेंट। लेकिन जो श्वेतांबर है ये कपड़े पहनते हैं, ठीक है, सफेद कपड़े पहनते हैं। तो दिस इज अबाउट द स्टोरी ऑफ दिगंबर एंड श्वेतांबर। और यूपीएससी ने एक जो क्वेश्चन पूछा था कि जो मूर्ति पूजक सेक्ट है, मूर्ति पूजक सेक्ट, ये मूर्ति पूजक सेक्ट भी बेसिकली ये नॉर्थ इंडिया का एक, ठीक है, एक जैन सेक्ट है और ये मंदिरों में मूर्ति पूजन में बिलीव करता है, ये इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी बात, यहाँ देखो, यहाँ से हमें कुछ नॉलेज मिली है, नॉलेज ये कि कम से कम ये दो स्टेटमेंट तो करेक्ट है कि दे रिकॉग्नाइज्ड द एग्जिस्टेंस ऑफ, है ना, कैनोनिकल टेक्स्ट इंक्लूडिंग 12 अंगा, यस, एंड दे बिलीव दैट वुमेन कैन ऑल्सो अटेन सालवेशन। ये एक इंपॉर्टेंट लाइन ऑफ डिफरेंस है भैया। जो जो श्वेतांबर थे, इंपॉर्टेंट बात है, श्वेतांबर, श्वेतांबर, ठीक है, जो है वो सिर्फ और सिर्फ श्वेतांबर लोग सिर्फ और सिर्फ अपने आ, आ, सिर्फ और सिर्फ 4 ऐसे कंस्ट्रेंट्स को फॉलो करते हैं। जो मगध में रह गए थे वो सिर्फ और सिर्फ 4 शिक्षाओं या फिर 4 ग्रेट कंस्ट्रेंट्स, जिसमें अहिंसा, सत्य, अस्तेय और परिग्रह, सिर्फ ये 4 शामिल है। ये महावीर से पहले के 4 जो कंस्ट्रेंट्स हैं ऑलरेडी, ठीक है, जो ऋषभ देव थे, ठीक है, पाशारुनाथ, ऋषभदेव वगैरह, उन्होंने ये प्रेस्क्राइब कर रखे थे। ब्रह्मचार्य का जो 5वां कंस्ट्रेन है ये महावीर ने, स्वामी महावीर ने प्रेस्क्राइब किया था, और इसको श्वेतांबर नहीं मानते हैं, श्वेतांबर जैनिज्म इस वाले 5th कंस्ट्रेन को नहीं मानता है। एक इंपॉर्टेंट बात और, श्वेतांबर थोड़े एडवांस्ड है, इनका मानना है कि भैया श्वेतांबरों का मानना है कि वुमेन भी साल्वेशन अटेन कर सकती है, दिगंबर नहीं मानते हैं ये, समझ रहे हो, ये बात याद रखना है कि दिगंबर नंबर 1, दिगंबर 5 के 5 कंस्ट्रेन को फॉलो करते हैं, श्वेतांबर सिर्फ 4 को, ब्रह्मचर्य को नहीं फॉलो करते, राइट। और दूसरी बात कि जो श्वेतांबर है, राइट, जो श्वेतांबर जैन है, दे बिलीव कि वुमेन भी साल्वेशन अटेन कर सकती है। ये कुछ बातें हैं जो आपको जो है, और इनके रूल्स बहुत रिजिड है, जो दिगंबर है जो बिल्कुल मतलब नग्न अवस्था में रहते हैं, इनके रूल्स काफी रिजिड है कंपेयर टू श्वेतांबर। तो ये कुछ बातें आपको पता होनी चाहिए। देखो ये जो केव है इसके बारे में हमने बहुत कम कभी सुना होगा कि विक्रम खोल केव ये कहाँ पे लोकेटेड है। जब इस पे मैंने रिसर्च किया, मुझे भी दोस्तों का कुछ आइडिया नहीं था कि इनमें से कौन से स्टेट पे है, जब रिसर्च किया कि भैया ये विक्रम खोल केव तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट केव है, ठीक है, और ये उड़ीसा में पाई जा रही है। विक्रम खोल केव एक बहुत इंपॉर्टेंट केव है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है उड़ीसा में, क्योंकि भैया यहाँ पर ये लगभग लगभग 1500 BCE की, ठीक है, BCE की केव है, और यहाँ पे कुछ एक, ठीक है, कुछ एक पिक्टोग्राफिक टेक्स्ट पाया गया है, समझ रहे हो, कि भैया जैसी पिक्टोग्राफिक लैंग्वेज आपकी माना जा रहा है कि हड़प्पा के टाइम पे थी, कि पिक्चर्स के माध्यम से एक्सप्रेस करना, ऐसी ही पिक्टोग्राफिक लैंग्वेज, पिक्टोग्राफिक टेक्स्ट यहाँ पे पाए गए हैं।
इट मींस कि उड़ीसा के एरिया में भी उस टाइम लैंग्वेज डेवलप्ड थी, और उसमें हड़प्पा कल्चर, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के भी कुछ इम्प्रिंट्स वहां पे मिले। तो इसीलिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट केव है, विक्रम खोल केव। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे नंबर वन कि लोमस रेशी केव वो कहाँ पे है, ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। दूसरी बात आप मुझे बताएंगे कि देर इज समथिंग नोन एज पांडव लेनी केव, इस पे क्वेश्चन भी आया था, पीवाईक्यू आया हुआ है 2021 का। ये पांडव लेनी केव ये कहाँ पे, अब देखो यूपीएससी का ये माइंडसेट समझो कि वो अब केव्स पे हर साल आपसे किसी ना किसी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ही रहा है। पांडव लेनी केव पे उन्होंने पूछा पिछले साल उन्होंने, राइट, आई थिंक यही कुछ एक ये इसी तरीके के एरियाज पे, पर्टिकुलर रीजंस पे वो क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, राइट, कि ये कहाँ पे पाया जा रहा है, इसके करेक्टरिस्टिक्स क्या है आसपास के एरिया में, राइट। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट आते हैं कि ये क्वेश्चन पूछ रहा है लेवलॉइस टेक्निक ये किस चीज से रिलेटेड है। भैया सीडीएस में ये इस तरीके के क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं, कुछ आइडिया नहीं है इसका। लेवलॉइस टेक्निक ये किस चीज से रिलेटेड है, और नीचे इन्होंने ये ऑप्शन दे दिए, लगा लो जरा ऑप्शन किसी ने, अगर ठीक है पीवाईक्यू की रिसर्च ना की हो, राइट। देखो पहले स्टेटमेंट कह रही है कि इट रेफर्स टू मेकिंग ऑफ परफोरेटेड, ठीक है, परफोरेटेड हड़प्पन पॉटरी, पहली बात तो कर रहा है कि ये पॉटरी से रिलेटेड है। दूसरा, इट रेफर्स टू मेकिंग ऑफ प्री हिस्टोरिक फ्लेक टूल्स। भैया ये दोनों चीजें साथ में चल सकती है क्या, फ्लेक टूल्स मतलब कुछ है ना पैने हथियार बनाना, पॉटरी और पैने हथियार दोनों फॉर श्योर दोनों बहुत अलग अलग टेक्निक से बनाए जाते होंगे। जिस टेक्निक से आप हथियार बनाएंगे उससे पॉटरी बना सकते हैं क्या, है ना, टूट नहीं जाएगा क्या वो घड़ा। अब पॉटरी आप मिट्टी से बना रहे हो, इसे आप पत्थर से बना रहे हो, इट मींस दोनों एक साथ तो नहीं हो सकती कभी, राइट, या दोनों इनकरेक्ट होगी या इनमें से कोई एक करेक्ट होगा। तो ये ऑप्शन तो गया, ये एलिमिनेट कर दिया, इसके आगे का वही लगा पाएंगे जिन्हें पता है। तो एक्चुअली दिस इज अ टेक्निक जो कि प्री हिस्टोरिक टाइम पे फ्लेक टूल्स बनाने के लिए यूज होती थी, इसका पॉटरी से कोई लेना देना नहीं है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे नंबर वन कि जो एक टेक्निक चलती है लॉस्ट वैक्स टेक्निक जिसपे यूपीएससी ने पीवाईक्यू पूछा हुआ है, ये टेक्निक किस चीज से रिलेटेड है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, राइट, पार्टिसिपेट करेंगे। अब देखो ये मैंने यहाँ पे इंटेंशनली, कोई जरूरत नहीं थी इस पे, ठीक है, लेवल वाइज टेक्निक पे अलग से रिसर्च करने की, लेकिन मैंने इंटेंशनली ये यहाँ पे आर्टिकल डाला हुआ है कुछ, ठीक है, और चीजें यहाँ पे साथ में क्लियर हो जाए। लेवल वाइज टेक्निक बेसिकली इस तरीके के फ्लेक जो टूल्स होते हैं उनको बनाने के लिए यूज होती थी, स्पेशली ईस्टर्न मेडिटेरेनियन में जो, ठीक है, उसके एरिया में जो नियंडरथल जो लोग थे यूरोप में और नॉर्दर्न अफ्रीका में, वहां पे ये टेक्निक इनके द्वारा यूज होती थी फ्लेक टूल बनाने की। और इस पूरे एरिया को लेवांत कहा जाता है, जो कि उन्होंने पीवाईक्यू में पूछा है 2022 का, पीवाईक्यू उठा करके देख लेना, उन्होंने पूछा कि लेवांत या फिर लेवेंट इनमें से किस एरिया को कहा जाता है। तो मेडिटेरेनियन सी के ईस्ट में जो आपका एरिया पड़ रहा है, उस पूरे एरिया को, इसराइल वगैरह के एरिया को, ठीक है, टर्की के एरिया को, इसे लेवांत कहा जाता है कलेक्टिवली, समझ रहे हो, एनाटोलिया प्लेटू पे भी उन्होंने क्वेश्चन पूछा था, राइट। तो लेवांत के एरिया में नॉर्मली ये टेक्निक फॉलो होती थी, लेवेनोइस टेक्निक, राइट। तो दिस इज वाई मैंने ये अलग से यहाँ पे साथ में ऐड करके रखा हुआ है इस पे थोड़ी, ठीक है, रिसर्च। नाउ कम्स दिस क्वेश्चन अगेन, देखो भैया इतने डीप क्वेश्चन है, मैं सही में बता रहा हूँ सीडीएस का पेपर सभी को देना चाहिए, है ना, अब कोई फर्क नहीं रह गया है सीडीएस और सीएससी में, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू द क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन। इस टाइप के इतने डीप क्वेश्चन इन्होंने पूछने शुरू कर दिए हैं। देखो सीडीएस का ये क्वेश्चन है कि जो बक्शाली मनुस्क्रिप्ट है, ठीक है, मनुस्मृति है, इट इज रिटन इन गाथा लैंग्वेज, ठीक है, कोई गाथा लैंग्वेज है, कुछ भी पता नहीं है मुझे, इसका भी पता नहीं है, इसका भी पता नहीं है, अब जरूर चलेगा, इसका पता थोड़ा बहुत था, राइट। डील्स विद द टॉपिक सच एज फ्रैक्शंस, स्क्वायर रूट, ठीक है, अर्थमेटिक, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन एटसेट्रा, पहली स्टेटमेंट ये कह रही है। दूसरी स्टेटमेंट, इन द फील्ड ऑफ जियोमेट्री आर्यभट्ट डिस्क्राइब्ड द वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल गिविंग इट अ वेरी एक्यूरेट वैल्यू ऑफ पाई, समझ रहे हो, ये तो सभी को पता है कि हाँ आर्यभट्ट ने ये किया होगा। अब देखो यहाँ देखो ऑप्शन पे आओ, काम अपन को बस यहीं से करना है कि भैया दो तो होना ही होना चाहिए, इसलिए ये ऑप्शन तो गया, राइट। नेक्स्ट आता है कि जो जो शरंग है ना, जो श्रृंग धारा संहिता है, राइट, श्रृंग धारा संहिता इज इंपॉर्टेंट टेक्स्ट ऑन पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ एंशियंट इंडिया, राइट। अब देखो नाम से ही पता चल रहा है, नॉर्मली जैसी आपकी मान लो जैसी, राइट, कोई कोई डिफरेंट जो जो ये नॉर्मली संहिता जैसी चीजें हैं,
राइट। ये संहिताएं हैं स्पेशली, जैसे मैं आपको एग्जांपल दे दूं कोई, राइट राइट, मान लीजिए मुझे अभी ठीक है एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है मैं किसका एग्जांपल सही में दूं, लेकिन जो नॉर्मली जो ये ट्रिटाइजेज होते हैं इस तरीके के, जो संहिताएं होती है, ये आपके या तो लॉ बुक्स होती है ठीक है, या फिर ये नॉर्मली आपके किसी टेक्निकल मैटर से ये डील कर रही होती है राइट। ये जनरल प्रेस्क्रिप्शन नहीं होती है नॉर्मली कि पॉलिटिकल सिस्टम कैसा होना चाहिए आपका ठीक है राइट, या ये लॉ बुक्स होती है, या फिर ये कहीं आपके आयुर्वेद से डील कर रही होती है, कहीं ये आपके मैथमेटिक्स से डील कर रही होती है, समझ रहे हो। तो इस बेसिस पे आप ये थर्ड जो स्टेटमेंट है ये लॉजिकली इनकरेक्ट लगती है राइट। अब क्योंकि आपको आंसर लगाना ही है तो नॉर्मली लॉजिक के थ्रू आप इस ऑप्शन को इस तरीके से ठीक है एलिमिनेट जरूर कर सकते हैं इसमें, क्योंकि संहिताएं हमेशा थोड़ी टेक्निकल मैटर से डील करती है, जितना आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा एंशियंट इंडियन लिटरेचर का। अब देखो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, ये जो बक्शाली मैन्युस्क्रिप्ट है ठीक है, ये आपके नॉर्मली जो जो खाइबर पख्तूनवा एरिया है ठीक है, वहां पे ये पाई गई है बक्शाली मैन्युस्क्रिप्ट, और ये शारदा स्क्रिप्ट जो कि नॉर्मली हमारे कश्मीर के एरिया में पाई जा रही है ठीक है, शारदा स्क्रिप्ट ये ब्राह्मी स्क्रिप्ट पे बेस्ड है, ब्राह्मी का एक तरीके से अपभ्रंश स्क्रिप्ट है ये शारदा स्क्रिप्ट, उसमें ये लिखी गई है और ये इन सब चीजों से डील कर रही है। तो मैथमेटिक्स पे इतना सारा जो है वर्क इंडिया में हुआ है एंशियंट टाइम में भी। आप मुझे बताएंगे कि खंडा खंडी, खंड अखंडी ठीक है, ये खंडा खंडी ये किसने लिखी है और ये किस चीज से रिलेट करती है ठीक है, ये किस चीज से रिलेटेड है खंडा खंडी है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और ये दूसरी स्टेटमेंट तो करेक्ट है ही है। तो पीवाईक्यू से हमें अब ये फ्यूचर के लिए पता चल गया कि इंडिया में शारदा स्क्रिप्ट नाम की कोई चीज थी, बक्शाली मनुस्क्रिप्ट नाम की कोई चीज थी ठीक है, जो कि और लेवल वाइज टेक्निक ये किस चीज से रिलेटेड है। फिर हमें विक्रम खोल केव के बारे में पता चल गया, दिगंबर सेक्ट और श्वेतांबर सेक्ट के बीच का इंपॉर्टेंट डिफरेंस हमने जाना, ये सब हमने किया इन द डे 36 ऑफ पीवाईक्यू रिसर्च प्रोग्राम। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए आपको ये सीरीज कैसी लग रही है, ये हेल्पफुल है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, अपने फ्रेंड्स को दोस्तों को रिकमेंड कीजिए ठीक है, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जैसा करना है वैसा कीजिए। एंड यस, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ये सब चीजें मैं उधर शेयर करता रहता हूँ। टेक केयर, बाय बाय। और हाँ, वो जो सारे अब लेक्चर्स थे ठीक है, इकोनॉमी दिस वीक, पॉलिटी एंड आईआर दिस वीक, रेगुलरली अब ठीक है हर वीक से आएंगे, पिछले एक महीने का बैकलॉग था, मैं उसे बिल्कुल कंप्लीट करने ही वाला हूँ ठीक है, और डेफिनेटली ठीक है एक एक दो लेक्चर बहुत लंबे लंबे आएंगे उसके बाद ठीक है, पीरियोडिकली वो सारी चीजें कवर होती जाएगी। टेक केयर, बाय बाय, एज ऑलवेज लव यू ऑल।